हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक विद आशीष सर में आप सभी का स्वागत है। बेसिक्स की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कार्बन की संकरण अवस्था। देखिए, आप जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको कार्बन का संकर लिखा हुआ मिलेगा, sp2, sp, sp3, और उस जगह पर आप में कंफ्यूजन रहेगा कि यार ये संकरण लिखा कैसे है। तो इस छोटे से वीडियो की हेल्प से मैं आपको पहले ये सिखा रहा हूं कि कार्बन का संकरण किस तरह से देखा जाता है। दोस्तों, किसी का भी संकरण हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी का भी संकरण लिखने के लिए हम उसके बंध युग्म को काउंट करते हैं। बंध युग्म मतलब उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, वो भी कौन से वाले, सिग्मा वाले। हम उसके सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो शॉर्ट में लिखें तो आप ये बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं प्लस एकाकी युग्म को काउंट करते हैं। एकाकी युग्म में होता है लोन पेयर, जो उसके ऊपर फालतू में रखा हुआ है उसको काउंट करते हैं। तो अगर आपको संकरण निकालना है तो आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, सिग्मा बंध काउंट करने हैं, साथ में लोन पेयर काउंट करने हैं। ये सिग्मा बॉन्ड 11th का टॉपिक है। जिसको सिग्मा बॉन्ड का आइडिया नहीं है उसको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी चेक करने में। अगर बॉन्ड केवल सिंगल है तो इसका मतलब वहां पर वो सीधा सीधा सिग्मा है, तो यहां पर एक सिग्मा है। अगर बॉन्ड डबल है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, मतलब इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। अगर बॉन्ड ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे, तो एक सिग्मा है और दो पाई है। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हो कि अगर केवल एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो वो सीधा सीधा सिग्मा है, अगर दो बॉन्ड बने हुए हैं तो एक सिग्मा है और एक पाई है, अगर तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो एक सिग्मा है बाकी के दो पाई हैं। तो यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड मिले उन सिग्मा बॉन्ड को लोन पेयर के साथ में ऐड करना है। लोन पेयर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास NH3 है तो NH3 के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन फोगट के पड़े होते हैं, इन फोगट के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं लिख के दिया CH3-, तो CH3- का मतलब होता है कि CH3 तो है और उसके ऊपर माइनस का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन फालतू के रखे हुए हैं। तो अगर आपको किसी के ऊपर भी माइनस लिखा हुआ मिले, मतलब वहां पर दो इलेक्ट्रॉन फोगट के हैं और उसको कहा जाता है लोन पेयर अर्थात एकाकी युग्म, उसको भी आपको यहां पे काउंट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ये भी लोन पेयर है। अब सिग्मा बॉन्ड निकालना आपने सिखा दिया कि सिग्मा बॉन्ड ऐसे देखेंगे, लोन पेयर आपने बता दिया कि अगर फोगट के इलेक्ट्रॉन रखे हो तो लोन पेयर है। अब हमने सिग्मा बॉन्ड को काउंट भी कर लिया, हमने लोन पेयर को काउंट भी कर लिया, उनको आपस में जोड़ भी लिया, जोड़ने से एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का क्या करना है वो सुनिए। अगर वो वैल्यू दो आती है, ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर इसकी वैल्यू दो आती है तो इसका मतलब संकरण कैसे निकलेगा, तीन आती है तो संकरण कैसे निकलेगा, चार आती है तो संकरण कैसे निकलेगा वो देखिए। दोस्तों, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक एस कक्षक होता है और पी तीन होते हैं, इस तरह से डब्बे पढ़े होंगे आपने कि पी में एक दो तीन होते हैं और एस में एक होता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की काउंटिंग दो आती है तो देखिएगा, दो जनों को मिलाना है तो एक और दो, मतलब संकरण क्या हो गया, sp। फिर से, अगर काउंटिंग दो आती है मतलब एक और दो sp, अगर इन दोनों की काउंटिंग तीन आती है तो एक दो तीन s2p, क्या हो गया sp2। अगर चार आती है एक s और तीन p, मतलब क्या हो गया sp3। परेशान नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। जब अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी आएगा, बट पहले लॉजिक देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, संकरण निकालने के लिए क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करना है, ऐड करना है। पहली बात, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को ऐड करना है। दूसरा काम, सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं, अगर कहीं पे केवल एक बॉन्ड बना हुआ है तो वो सिग्मा है, कहीं पे अगर दो बॉन्ड बने हुए हैं तो एक सिग्मा है और एक पाई है, कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो एक सिग्मा है और दो पाई है। तो यहां से आप सिग्मा आराम से काउंट कर लोगे। उसके बाद लोन पेयर क्या होता है, किसी के ऊपर अगर माइनस चार्ज है, फोगट के इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या है, आपका लोन पेयर है।
उन दोनों को काउंट करोगे, जोड़ोगे आपस में। जोड़ने के बाद जब आपको मिलेगा नंबर, तो वो नंबर अगर दो आता है, तो मैंने बताया कि एक एस होता है और तीन पी होते हैं, तो दो का मतलब क्या हुआ, इन दो को जोड़ दीजिए तो संकरण हो गया एसपी। तीन का मतलब क्या हुआ, इन तीन को जोड़ दीजिए, संकरण हो गया एसपी टू। चार का मतलब क्या हुआ, इन चार को जोड़ दीजिए, संकरण क्या हो गया एसपी थ्री। तो चार से एसपी थ्री आ रहा है, मैं सोचा कि तीन आ रहा है, तीन तो पी है साथ में एक एस है, तो तीन और एक चार हो गया, दो और एक तीन हो गया, एक और एक दो हो गया, इस तरह से। अब मैं एग्जांपल कराता हूं, उसी से आपको क्लियर होगा। देखो पहले एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, CH4। मान लो CH4 का संकरण देखना है, तो CH4 को पहले ओपन कर दो, तो CH4 को ओपन किया तो वो इस तरह का दिखेगा। अब इसमें अपन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करेंगे। लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा, इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा, इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा, इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा। इसका मतलब इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, तो इस कार्बन के पास चार सिग्मा है। भाई साहब, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में चार बंध बना रखे हैं, क्योंकि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में चार बंध बना रखे हैं, इसका मतलब चारों बंध सिंगल है। जब चारों बंध सिंगल है, सिंगल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्मा है, चार सिग्मा है। साथ में लोन पेयर, कार्बन के ऊपर कोई फोगट के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो लोन पेयर कितने हैं, जीरो लोन पेयर। नंबर कितना निकल के आया, चार, चार बोले तो sp3, मतलब इस कार्बन का संकरण क्या हुआ, sp3। इस तरह से करते हैं। अब आपके सामने ये पांच एग्जांपल हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए पहले इसको ओपन करते हैं, CH3, H3 को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, H2 को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस H को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और इस दो H को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब हर एक कार्बन का संकरण देखेंगे और ध्यान समझिएगा। इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, तो कितने सिग्मा हो गए, चार सिग्मा। लोन पेयर है क्या, लोन पेयर इसके पास भी नहीं है, 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 तो केवल सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा है, चार सिग्मा, एक दो तीन चार। इसका मतलब संकरण क्या हो गया, sp3। तो इस कार्बन का संकरण हो गया sp3। पड़ोस वाले का देखिए, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, क्योंकि इसने इधर ही बंध बना रखा है, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक दो तीन चार। इन भाई साहब ने चार लोगों से बंध बना रखे हैं और चारों क्या है, सिग्मा। इसका मतलब चार सिग्मा के हिसाब से संकरण क्या आ गया, sp3। तो चार सिग्मा के हिसाब से इसका संकरण अपन लोगों को मिलकर के देखने को मिला sp3। पड़ोसी पे आते हैं, ये जो भाई साहब हैं, इन भाई साहब ने एक सिग्मा इधर। अब देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा है और एक पाई है। इधर तो सिंगल ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये सिग्मा है। तो इस कार्बन को देखोगे तो इसने कितने सिग्मा बना रखे हैं, एक, इसको मत गिन लेना, एक दो तीन। तो इन जनाब के केवल तीन सिग्मा है। तीन सिग्मा को बांटोगे तो कैसे बटेगा, sp2। इसका मतलब इसका संकरण देखने को मिला sp2। ठीक है, पड़ोसी को देखो, इस कार्बन का एक सिग्मा एक पाई इधर, तो एक सिग्मा इधर से, हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, तो इसके पास कितने सिग्मा, तीन सिग्मा, एक दो तीन। इसको काउंट नहीं करने का, तीन सिग्मा बोले तो sp2। इसका मतलब इसका संकरण क्या हो गया, sp2। ऐसे आप हंसते हंसते किसी भी कार्बन का संकरण लिख सकते हो। चलो फिर ये वाला करते हैं, इसमें ओपन कर देते हैं इसको। जब तक हम छोटे हैं अभी इसमें, तब तक ऐसे अपन ओपन करके करेंगे, जब आप बड़े हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, तो डायरेक्ट कर पाओगे और ये बहुत जल्दी होगा, देखना। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, चार सिग्मा, मतलब sp3। इस कार्बन के पास में एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, इसका भी sp3। इस कार्बन के पास में एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, चार सिग्मा, मतलब sp3। इस कार्बन के पास देखो तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, चार सिग्मा, मतलब sp
आपको समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो और मस्त रहो। आगे देखो, इस कार्बन का एक सिग्मा, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है बाकी के दो पाई होते हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही सिग्मा है बाकी के दो क्या है पाई। तो इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा है, एक इधर मतलब इसके पास केवल दो सिग्मा है। दो सिग्मा का मतलब क्या होता है sp, इसका मतलब इसका संकरण क्या हो गया sp, इस तरह से करना होता है। अब इन भाई साहब को देख लीजिए, इधर एक सिग्मा बाकी दो पाई, इधर एक सिग्मा, दो सिग्मा है इनके पास भी, इसका मतलब संकरण क्या हो गया sp। ये sp3 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 sp और sp, समझोगे ना, तो डबल बॉन्ड में sp2 आता है और ट्रिपल बॉन्ड में sp आता है। अगर आपको थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा हो कि अजीब सा हो रहा है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार वापस पीछे ले जाएं और एक एक कार्बन का जब मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप भी नोट करो उसको बना करके, ताकि ये जो विकराल रूप धारण कर रहा है इससे आपको समस्या नहीं होगी। खुद से कॉपी में साथ साथ करो, और दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो फिर वापस वीडियो को प्ले करो, देखो और आगे बढ़ो, ये सही तरीका है। इसको देखिए, अब इसको भी ओपन कर देता हूं मैं, बस माइंड में एक बात रखनी है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। इस कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं सिंगल, तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, चार सिग्मा होता है, संकरण क्या हो गया sp3। इसने बना रखे हैं चार सिग्मा, चार सिग्मा मतलब संकरण क्या हो गया sp3। इसको देखो, इस कार्बन का एक सिग्मा, दूसरा पाई, एक सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया, तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, कितने सिग्मा है भाई के, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब क्या होता है sp2, तो संकरण क्या हुआ sp2। इनको देखो, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, कितने सिग्मा हो गया तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब क्या होता है sp2, तो इनका संकरण भी sp2। डायरेक्ट बोले तो डबल बॉन्ड का sp2, ट्रिपल बॉन्ड का sp और सिंगल बॉन्ड का sp3, ऐसे होता है। इनका देखिए, इस कार्बन को ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, ध्यान से देखना इसको, तीन सिग्मा है प्लस जीरो लोन पेयर, क्योंकि प्लस का मतलब लोन पेयर नहीं होता, माइनस का मतलब लोन पेयर होता है, तो जीरो लोन पेयर, फिगर कितना निकल के आया थ्री, थ्री के हिसाब से क्या होता है sp2, मतलब CH3 पॉजिटिव का संकरण क्या होता है sp2। इधर इसको भी ओपन करो, बस यहां गलती करते हैं बच्चे, देखना तीन सिग्मा है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा बराबर होता है sp2, आप लिख देंगे sp2, नंबर मिलेंगे जीरो, क्योंकि यहां पे माइनस भी है और माइनस का मतलब क्या होता है लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन, फोगट के इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म, तो प्लस में लोन पेयर भी करते हैं, तो एक क्या है लोन पेयर, जोड़ करके मान कितना आया चार, चार को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है sp3। इन सब में क्यों नहीं देखा फिर लोन पेयर, क्योंकि इन सब में था ही नहीं लोन पेयर, आपको दिखाया किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां क्यों नहीं देखा क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज था। तो ये था तरीका हाइब्रिडाइजेशन देखने का, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण देखने का, सिंपल सी बात, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, डायरेक्ट देखें तो, और माइनस को काउंट करना है लोन पेयर, अगर CH3 नेगेटिव है तो CH3 में H के साथ तो हो गया तीन सिग्मा, साथ में प्लस में एक आ गया लोन पेयर, फिर वैल्यू आ गई चार, उस वैल्यू को डिवाइड किया तो आ गया संकरण sp3। इस तरह से कार्बन में देखा जाता है संकरण। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, आने वाले टॉपिक्स में ये बहुत काम आएगा, जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा संकरण तो आपको कंफ्यूजन होगा, वो नहीं हो इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो गाइस प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मेंशन करें और बने रहें चैनल के साथ में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। Thank you.